न मना रहे हैं। 5 फरवरी सन 2018 और सोमवार का दिन है। क्या संतान आपकी बात नहीं मानती है? प्रयासों के बावजूद भी संतान से आपके संबंध अच्छे नहीं है, या फिर जीवन में व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना, प्रयासों के बावजूद भी आमदनी में बढ़ोतरी नहीं हो रही, या फिर रात में दिखाई नहीं दे रहा है, रतौंधी है। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान है आज का गुरु मंत्र न मना रहे। जी हिंदुस्तान के सभी दर्शकों को दाती महाराज का न मना रहे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के शिष्य जनों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र लेके आए हूं, और भयभीत होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। बस इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। सवाल यह था कि संतान हाथ से निकल गई, लाख कोशिशों की बात भी आप और संतान में समन्वय नहीं है, संतान आपकी बात नहीं मानती, प्रयासों के बावजूद भी राह ठीक नहीं हो पा रही संतान, क्या करें? किसी भी माँ के शुक्र पक्ष के प्रथम शनिवार में 7 काले मेरे, 7 उड़द के दाने, 7 गुड़ की दली, 7 लोहे की किल, 7 सरसों के तेल के दीपक, 7 रेशे केसर किसी मिट्टी के पात्र में एक कच्चा पापड़ रख समस्त सामग्री उसके ऊपर रख, प्रदोष काल में अपने बच्चे के ऊपर से उसार कर पीपल के पेड़ के नीचे रखा है, 7 शनिवार करके देखेगा, कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे। नमनान, और बात करते हैं सोमवार के पंचांग। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2074 सोमवार का प्रातकालीन नक्षत्र हस्त नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में और थोड़ी देर से तुला राशि में आ गया। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है। 5 फरवरी आपका जन्मदिन, और निजगत कर्मों की वजह आपको अपने जीवन में व्यवसाय को लेकर, परिवार को लेकर, नौकरी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, ये उपाय आपके लिए रामदान है। हर रोज प्रातकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएं, शुद्ध आसन में बैठकर प्रातकाल ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान अष्टक के 7 पाठ करें, 10 प्रसाद भगवान शिव की शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करेगा, घर की पहली रोटी गाय को खिला दीजिएगा, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, न मना रहे। अगला कदम सितारों की ओर, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं नक्षत्रों की दुनिया में, क्या कहते हैं आपके घर नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा सोमवार की राशि फल की। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों सितारों की चाल अनुकूल और सफलता का पूर्ण संकेत है, समय लाभदायक है, शुभ फल प्रद है। जिस तरह के घर योगायोग सुख के साधन बढ़ेंगे, और सुख के साधनों का आप उपभोग भी कर पाएंगे, आज विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे, शत्रु पक्ष आपके सामने नतमस्तक होगा, क्या करें? नवीन कारोबारी प्रस्ताव स्वीकार करें, अच्छे रहेंगे आपके। क्या ना करें? कार्य सफलता के लिए किसी के साथ धोखा ना करें। नमन है, मैं बात करते हैं वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों गोचर ये संकेत दे रहे कि व्यर्थ की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, राह सामाजिक और पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरे होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ा रहेगा, कार्य क्षेत्र की स्थिति ठीक है, क्या करें? वाणी पर संयम रखें, क्या ना करें? लॉटरी में धन ना लगाएं, ना मना रहे। और बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों गणनाएं आज आपके पक्ष में है नहीं, ग्रह गोचर सितारे प्रतिकूलता का पूर्ण संकेत दे रहे हैं, इसलिए कार्य में बाधा उत्पन्न होगी आपकी अपनी कार्यशैली की वजह से। यदि आज आप अपने लिए नियम कुछ और, औरों के लिए नियम कुछ और, यदि ये नीति कहीं रख दी तो समस्या है, पारिवारिक संबंधों में मनमुटाव है, धन का अपव्यय है, मानसिक तनाव है, स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, यात्रा में भी विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक गोचर प्रतिकूलता का संकेत दे रहे, छोटा सा उपाय और ये कर लेना, अपने पूजा स्थान में गाय का घी का दीपक जलाना, और संकट मोचन हनुमान अष्टक का एक पाठ दुर्गा अर्गला स्तोत्र का करने के बाद रोटी पर गुड़ रखेगा, अपने पर 7 बार उसारी और गाय को दे, कष्ट कम आएगा, क्या करें? अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें, क्या ना करें? चिकित्सा के प्रति लापरवाही ना करें, ना मना रहे। मेष वृषभ मिथुन की बात करें, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले सोमवार का राहु काल और सोमवार की यात्रा,
सोमवार का राहु काल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। राहु काल दर्शन कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। इस सलाह मेरी उम्र दी आपकी न माना रहे। और बात करते हैं यात्राओं की। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ मंगल में। मेरा कहना है समय और साधनों का परिवर्तन बहुत हो गया, आप किसी भी दिशा में यात्रा करें। प्रातकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव की शिवलिंग पर 11 बेलपत्र अर्पित करिए और कुंकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पर निकलेगा, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन है। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि नक्षत्र गणना आपके पक्ष में अनुकूल संकेत दे रही है। रुक रुक कार्य बने, पास पड़ोसी संबंध सुधरेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, अनुजों और कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और विशेष यात्रा बड़ी लाभदायक रहेगी क्योंकि गोचर आपके पक्ष में करवट ले रहा है। नमन आ रहा है। क्या करें, वाणी और व्यवहार की अनुकूलता बनाई रखेगा, सफलता दामन चुके। क्या ना करें, किसी को भी आज उधार धन न दे। नमन है। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों गणना है ये संकेत दे रही कि गोचर थोड़ा सा मध्यम है, संयम और धैर्य से कार्य करना आवश्यक है, सूझबूझ और परिश्रम से व्यापारिक क्षेत्र में कार्य बने, आय और व्यय का सामंजस्य बना रहेगा। यदि घरेलू जीवन में एकता बनाए रखे तो सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे। क्या करें, कला के क्षेत्र में कार्य करें। क्या ना करें, नशा करके वाहन न चलाए, नुकसान की संभावना है। हमने अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि ग्रह गोचर उत्तम सितारों का शुभ संकेत। आज गोचर ये संकेत रहे कि धन की प्राप्ति हो, कार्य सिद्धि से मनोबल ऊंचा बना रहेगा, किसी बड़े अधिकारी के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होंगे, भूमि भवन बांध का सपना पूरा होगा, पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी सुख और सहयोग से प्रसन्नता बने रहेगी, दिन अच्छा बीतेगा। क्या करें, महत्वपूर्ण कार्य वार्ता से संपन्न करें। क्या ना करें, आर्थिक क्षेत्र में बदलाव ना करें। नर्मदा करक सिंह कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करो, उससे पहले वास्तु सलाह राज का सुझाव। यदि किसी ने कहा कि घर में वास्तु दोष है, जिस परिवार के सदस्य सूर्य उदय से पूर्व उठते हो, जिस घर में घी का दीपक जलता हो, चंदन की धूप जलती हो, तुलसी को जल चढ़ता हो और जहां सुबह उठती ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः ओम मुहूर्भवाश्वाहतसुरवितुर्वरेण्यम प्रगोदेवश धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, उस घर में वास्तुदोष सतैव समाप्त हो जाता है। वास्तुदोष वहां होता है जहां सूर्य उदय के बाद लोग सोए रहते हैं। वास्तव में आपके मकान में वास्तु दोष है, एक चांदी का तार अपने मुख्य फाटक के नीचे दबा दें और मुख्य फाटक की और मुंह की हुए पंचम की हनुमान जी की फोटो भी लगा दीजिए, का बड़ा शुभ रहेगा। नमना। और बात करते हैं आज के सुझाव। यदि आपके घर में कलह रहता है, चिंता रहती, धन की कमी रहती, प्रयासों के बावजूद भी सफलता नहीं मिली, राहुकाल के दौरान आज के दिन राहुकाल में घर के सारे टूटे फूटे बर्तन, बंद घड़ियां, फर्नीचर घर से बाहर निकाल दें, संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नमन है। बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे नहीं रही है। आज सोच विचार कर कार्य करें, अन्यथा नुकसान की संभावना है। आज नैतिकता का दामन पकड़ के रखना पड़ेगा, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करना होगा और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुकूल चलना होगा, अन्यथा बहुत सी परेशानी है। परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, किसी बनते हुए कार्य में रुकावट की संभावना है, धैर्य रखना बहुत जरूरी, किसी को धन उधार न दे और विवादित सौदों से अपने आप को दूर रखें। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। आज श्रद्धानुसार दूध किसी गरीब निधन कंजक को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आए। क्या करें, कार्य क्षेत्र में सहज बना रहना बहुत। क्या ना करें, शत्रु को कमजोर ना समझे। नमन है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत। कार्य क्षेत्र में अस्थिरता समाप्त होगी, धन लाभ के नए स्रोतों की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य बड़ा उत्तम है। वृश्चिक राशि वालों गणनाएं अनुकूल और सफलता का पूर्ण संकेत है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अनुकूल समय, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। क्या करें, मित्रों से मेलजोल बढ़ाएं। क्या ना करें, भाग दौड़ और परिश्रम से न घबराएं। नमन। और बात करते हैं धनु राशि।
राशि अधिपति बृहस्पति, और आज जो चंद्रमा का गोचर है वो बड़ा शुभ है। कारोबार में सफलता मिलेगी, कारोबार में अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी, देश विदेश से मनोअनुकूल कारोबारी संबंध प्रस्ताव और अनुबंध प्राप्त होंगे, आर्थिक शुभ समृद्धि बढ़ेगी, कैरियर और नौकरी संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और सारा दिन सुकून और शांति से बीतेगा। क्या करें, जो काम रुके हुए हैं पहले उनको पूरा करने का प्रयास करें, क्या ना करें, कष्ट नहीं पहुंचाए अपनी माने से किसी को भी न बना रहे। तुला वृश्चिक धनु की बात करी, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय और आज का नुस्खा। यदि आपको धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो ये उपाय जीवन का हिस्सा बना दी। प्रत्येक गुरुवार को नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध अर्पित करें और वहीं बैठकर मां लक्ष्मी का ये मंत्र ओम श्रीमन्माया ओम लंग लक्ष्मी नमः सात माला जाप करें, जीवन का हिस्सा बना दीजिएगा, परेशानियों से अवश्य मुक्ति मिलेगी। नमन और बात करते अद्भुत देसी निष्काम रतौंदी, यानी दिन में दिखता लेकिन रात में दिखाई नहीं देता, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इसमें लापरवाही नहीं करें। और गांव में गांव का शहद में मार्केट में शहद मिलता है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गांव में अपने सामने जो कहीं छोटी मक्खी का शहद मिल जाए तो शहद से भीगी भी कोई सलाई कोई अच्छे से तिनके में या आंखों में अंजन की तरह कुछ दिन लगा के देखिएगा, रतौंदी में तुरंत लाभ मिल जाएगा। ये अद्भुत नुस्खा है, मानो न मानो आपकी मर्जी। और बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि लोग ग्रह गोचर मध्यम सितारे संकेत दे रहे कि आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, प्रयासों की सराहना होगी, लेकिन कारोबारी क्षेत्र में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, लेकिन आय की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा, आवश्यकता अनुकूल आय की प्राप्ति होगी, क्या करें, पारिवारिक जरूरतों को पूरा जरूर करें, क्या ना करें, बहुत जरूरी है अपनों के साथ किसी तरह का धोखा ना करें, ना बनाए। और बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि वालों गणनाओं की बात कर रहा हूं, और गणना ये कह रही कि आज सितारे आपके पक्ष में करवट ले रहे हैं, जिस तरह की घरे योगायोग है आज अपने ही आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। गोचर ये भी संकेत दे रहा है क्योंकि सितारों की चाल अनुकूल नहीं और गोचर है कि लोगों की बात में आकर कोई ऐसा कार्य नहीं करे जिससे पारिवारिक परेशानियां बढ़ जाए, कार्य क्षेत्र में बेवजह विवाद है, परेशानियां हैं, जीवन साथी से मनमुटाव और स्वास्थ्य भी प्रतिकूल है, सुबह से लेकर शाम तक थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है। प्रातकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम पीपल में जल अर्पित करें, सात परिक्रमा करें, सरसों का तेल का दीपक जलाएं और सदानुसार उर्द अपने ऊपर सात बार उसे गाय को खिलाएं, कष्ट करना है क्या करें, थोड़ा सा चिकित्सा पर ध्यान दीजिए, क्या ना करें, कारोबार के क्षेत्र में फिर बदल ना करें, नमन। और बात करते हैं मीन राशि, मीन राशि वालों समय उत्तम है, किसी नवीन अनुबंध से व्यापार में प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है, प्रयास थोड़ा और सफलता अधिक नजर आ रही है, आज आपके अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और धन कोष भी बढ़ेगा, और क्या चाहिए, नमूना क्या करें, वरिष्ठ जनों का आदर करें, वरिष्ठ जनों से मेलजोल बढ़ाएं, क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय ना करें, नमूना। ये था 12 के 12 राशियों का राशि पर जो नक्षत्रों पर आधारित था मेरा निवेदन। साधारण सा व्यक्ति अपने भावों को लेकर आता है और अपनी खुशी के लिए आता है कि कुछ राष्ट्र के लिए करूं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं साथी, सिद्ध साधक नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा साधु भी नहीं, साधारण सा व्यक्ति अपने भाव आपके सामने रखे, मानो न मानो आपकी मर्जी। गलतियों की संभावना और हर गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है, आपके पास रहेगा। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद विवाह संबंधी परेशानियों से कैसे मुक्ति मिले वो पूजा मंत्र जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा, न बना रहे। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी वैवाहिक परेशानियों से मुक्ति नहीं मिल रही, संतान की शादी नहीं हो रही, संतान की अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकलते जा रहे, या स्वयं आपकी शादीशुदा जिंदगी में कलह है, या फिर आपके कारोबार में आमदनी नहीं बढ़ रही, आज सोमवार का दिन, रात के दिन प्रातकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 से 6 बजे के बीच अंगुष्ठ प्रमाण या इसे छोटा पार्थ शिवलिंग अपने घर में स्थापित करिए, जल गंगा जल से पवित्र करिए, सुजल से स्नान करिए, तत्पश्चात श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, ऐंग ह्रीं श्रीं ओम नमः शिवाय श्रीं ह्रीं ऐं इस मंत्र का जाप करते हुए मोगरे के 108 पुष्प अर्पित करें,
नेकी आप करके सारा कल्याण होगा आपका। नमनन। और बात करते हैं जीवन मंत्र। रोज तारीख बदलती है, रोज दिन बदलते हैं, रोज अपना समय बदलना है, रोज अपनी उम्र भी बदलती है, और हमारे नजरिए वक्त के साथ बदलते हैं। बस एक चीज जो नहीं बदलती और वो है हम खुद। बस इसी वजह से हमें लगता है कि जमाना बदल गया। बदलना किसको चाहिए ये आपको सोचना है। दर्शन का समय है, प्रभु के दर्शनों का, और दर्शन के लिए चलते हैं प्रभु दाती धाम। नमो नारायण, नमो नारायण। समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तं नमामि शनैश्चरम। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही कल्पना है। गुरु मंत्र जन्मदिन की शुभकामना। जन्मदिन का उपाय मंगलवार का राशि मंत्र। दुर्घटनाओं से कैसे पीछा छूटे, पूजा और मंत्र। जीवन में तो सुझाव देसी नुस्खे उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊं, लेकिन आज अपनी गलती, अपने गुनाह और अपनी भूल की माफी मांगती हूं। अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूं। नमो नारायण, नमो नारायण।